शुक्रिया सर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदर इजलास की इजाज़त से अपना मखाला पेश करना चाहूँगा। मेरे मखाले का उनवान है ICT एंड टीचिंग ऑफ उर्दू। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ICT में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मालूमात, इंफॉर्मेशन, जो कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, मैप और अलग अलग फॉर्मेट्स में होती है, और ये इंफॉर्मेशन तक जब तक हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते, उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है, बांटने के लिए होता है, इसलिए उसकी तरसील करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये करते वक्त जब हम टेक्नोलॉजी का साथ लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तब वो हो जाती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ICT आज इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी ज़रूरत है। हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, बच्चे, दुकान, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। लेकिन आज जो है ICT इन कहीं इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। हम आधा एक घंटा अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहे आजकल। और आज का सबसे बड़ा सरमाया जो है वो इंफॉर्मेशन है, और जिन लोगों ने इसको समझा, इसकी जो है अहमियत को पहचाना, वो लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आप बिल गेट्स का नाम जानते हैं, आप अजीम प्रेम जी का नाम जानते हैं। जब तक ये लोग दूसरे बिजनेसेस करते थे, इनका कोई नाम नहीं था, लेकिन जब से ICT में आए हैं, जब से इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज शुरू की है, ये जो है अपने पेशे में कामयाब हुए हैं। तो ICT की आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो है ऊबर और ओला जैसे छोटे छोटे ऐप जो है, ये करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन की तरसील कर रहे हैं। भाई, एक ऑटो ड्राइवर को जो है एक पैसेंजर चाहिए, उसको पैसेंजर की तलाश है, और एक पैसेंजर को जो है ऑटो की तलाश है। इन दोनों के बीच में वो तरसील कर देते हैं अपने ऐप के जरिए, कम्युनिकेशन कर देते हैं, और उसके जरिए पैसा कमाते हैं। और वो जो ऐप है, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के आले के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हर पेशे में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तालीम और तरबियत का जो पेशा है, ये इससे दूर नहीं रह सकता, है ना। कहा जाता है कि जो अपने दौर के साथ नहीं चलते, उनका दौर बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। तो अब ICT का दौर है, उसके साथ हमको चलना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडेड लर्निंग, मुरक्कब इक्तिसाब, ये है कि आप जो है रिवायती तरीक़ों के साथ साथ ICT के जो जदीद तरीक़े हैं, जदीद आले हैं, उनका इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर जो है लेक्चर के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसके साथ जो है कुछ वीडियोस बताए जाएंगे, कुछ एनिमेशन बताया जाएगा। ये ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड इक्तिसाब का जो है ये एक मिसाल है। इसको जो है हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमको जो है तवज्जो देकर वो सुने। नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, आज इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखते हैं कि हमारे महल्ले की जो मस्जिद होती है, वहाँ पर सभी बच्चों के लिए अरबी की तालीम दी जाती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, मौली साहब हमारे घर पे आके आप पढ़ाइए। क्यों पढ़ाइए? क्योंकि जब आप घर पे आके हमारे बच्चे को अरबी पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो पर्सनल अटेंशन देंगे और हमारा बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इसलिए आप देखेंगे तहकीक के लिए गाइड दिया जाता है, को गाइड दिया जाता है, और आप देखेंगे आज मेंटोरिंग की कॉन्सेप्ट आ चुकी है कि बच्चों को मेंटोरिंग की जा रही है, ताकि हर एक बच्चा जो है टीचर से जो है उसके कनेक्शन में रहे, उससे उसका ताल्लुक हो। और नेक्स्ट स्लाइड। जब पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन टूल्स के बगैर जो है ये मैं कहूँगा कि हम उसके बगैर बच्चों से जो है राबता कायम नहीं कर सकते। यहाँ पर सोशल मीडिया है, यहाँ पर मोबाइल है और अदर टेक्नोलॉजी है, कॉन्फ्रेंसिंग है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उर्दू के मुअल्लिम को चाहिए कि वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाना सीखें। बहुत सारे लोग जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे हैं। उर्दू टीचर्स भी ये कर सकते हैं, और प्राइवेट ट्यूटरिंग वो जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अदर ऐप्स के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लिप क्लासरूम, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें टीचर जो है क्लासरूम की जो प्रोसेस है उसको फ्लिप कर देता है, पलट देता है। रिवायती तौर पर टीचर जो है क्लास में आता है, पढ़ाता है, उसके बाद उसके नोट्स दे देता है और बच्चे जाके फिर आगे उसका मुताला करते हैं। फ्लिप क्लासरूम में यह होता है कि टीचर सबसे पहले जो रिसोर्सेज है, चाहे वो नोट्स हो, PPT हो, वीडियो हो, ये बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर देता है, उसके लिंक शेयर कर देता है, और बच्चों को कहता है कि आप ये सब पढ़ के आइए, इसका मुताला करके आइए, फिर हम क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे। मिसाल के तौर पर उर्दू की एक नज़म है,
ना, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, बहुत मशहूर नज़म है आप जानते हैं, और इस नज़म में बहुत सारे जो है शोरा का नाम है। इस नज़म को पढ़ाने से पहले टीचर जो है इसके वीडियोस, इसके जो है इस पर जो नोट्स होंगे या कोई मखाले होंगे और इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो अगर बच्चों को भेज दे व्हाट्सएप के ज़रिए और कहे कि आप ये पढ़ के आइए, इसका मुताला करके आइए, कौन से शायर का उर्दू के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जब बच्चे पढ़ के आएंगे और फिर क्लासरूम में डिस्कशन होगा तो वो डिस्कशन बहुत अलग तरीके का होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा और तदरीस ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। नेक्स्ट, वेब बेस्ड लर्निंग। आज वेबसाइट जो है इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाने का एक बहुत बढ़िया और बहुत जामे जो है प्लेटफॉर्म है, एक टूल है, और कई सारे सब्जेक्ट बेस्ड वेबसाइट्स ऐसी हैं कि उन वेबसाइट्स पर जो मवाद होता है उनको पढ़ने के लिए कहीं कहीं महीने आपको लग जाएंगे, इतना वहाँ पर जो है मवाद होता है, कंटेंट होता है। हमको चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड, कि हम भी उर्दू की जो है वेब पोर्टल्स बनाएं, जैसे कि रेखता है जहाँ पर उर्दू अदब के बारे में आप मालूमात हासिल करते हैं, उर्दू पॉइंट्स है जहाँ पर आप उर्दू दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उर्दू टीचर्स को चाहिए कि वो उर्दू पढ़ाने के लिए, उसकी तदरीस के लिए और उसकी कंटेंट के लिए, उस पर रिसोर्सेज के लिए अपने अपने वेब पोर्टल्स बनाए। नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कवरी लगने, इंकशाफी इक्तसाब। आज बच्चों को सब कुछ रेडीमेड देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको कहिए कि आप जो है ये रिसोर्सेस है, ये टॉपिक है, आप जाइए खुद तैयारी कीजिए, इंटरनेट रिसोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए और अपना असाइनमेंट तैयार करके लाइए, अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके लाइए, तो बच्चा खुद डिस्कवर करेगा। आज बहुत सारे ऐप्स हैं उर्दू के, लुगत है, इंसाइक्लोपीडिया है, लाइब्रेरीज है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड, लेबोरेटरी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारे लोग लैंग्वेज लैब की अहमियत यहाँ पर बता चुके हैं, तो बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनके जरिए हम उर्दू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। नए नए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स जो है आते चले जा रहे हैं, जैसे उर्दू इन पेज, वर्ड उर्दू, और जो है आप देखेंगे गूगल डॉक्स, ये तो टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गूगल डॉक्स एक ऐसा जो है सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आपको टाइपिंग नहीं आती कोई मसला नहीं है, आप माइक लगा लीजिए, उसका ऑडियो ऑप्शन ओपन कर दीजिए और आप लेक्चर देना शुरू कर दीजिए, आपका पूरा लेक्चर उर्दू में टाइप होता चला जाएगा, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकालिए, उसकी जो है नोक पलक दुरुस्त कीजिए, आपका एक पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे नए नए जो ऐप्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल उर्दू में, उर्दू टीचर्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गेम बेस्ड लर्निंग। बच्चे खेलना पसंद करते हैं और इन खेल के जरिए, गेम्स के जरिए हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप देखेंगे गेम बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत सारे ऐप्स आज अवेलेबल है जिनके जरिए बच्चे सीख रहे हैं, गिनती सीख सकते हैं, उरूफ तहज्जी सीख सकते हैं, प्रोनंसिएशन सीख सकते हैं, जो है अल्फाज का ज़खीरा बढ़ा सकते हैं। तो गेम बेस्ड लर्निंग के लिए हमको भी चाहिए कि गेम बेस्ड ऐप्स हम डेवलप करें। नेक्स्ट, मोबाइल लर्निंग। जहाँ बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वहीं पर अगर बच्चे अच्छे अच्छे जो मोबाइल ऐप्स उर्दू में अवेलेबल है उनको अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उर्दू बहुत जल्दी और आसान तरीके से सीखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके के जो है मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम उर्दू बच्चों को सिखा सकते हैं। उर्दू टीचर्स को चाहिए कि ऐसे ऐप्स को फ़रोग दें और ख़ुद होकर ऐसे ऐप्स बनाएं। इमरान खान, जिसका तस्करा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी तकरीर में किया था, 53 अलग अलग किस्म के मोबाइल ऐप्स उन्होंने बनाए जिसको MHRD ने फिर होस्ट किया है। तो जब इमरान खान बना सकता है तो हर एक टीचर बना सकता है, सिर्फ उसके लिए जुस्तजू चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड, ऑनलाइन लर्निंग। एक टीचर जो है अपनी ज़िंदगी में अगर क्लासरूम टीचिंग को फॉलो करे तो मुश्किल से 1000, 2000, 3000, 5000 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकेगा, लेकिन अगर वो MOOCs के जरिए अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाता है तो दुनिया के हर एक कोने में पहुंच सकता है और बैक वक्त हज़ारों बच्चे उसका कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। आज स्वयं पर जो है ऑनलाइन कोर्स फॉर उर्दू टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज और उसके साथ साथ उर्दू लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी साहब ने बनाया है, ये स्वयं पर होस्टेड है। हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और उर्दू के नए नए कोर्सेज हमको डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, क्लासरूम मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उर्दू मीडियम टीचर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
है ना, इन ऐप्स में जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे अटेंडेंस है और बच्चों के असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड है, उनके इवेल्यूशन के रिकॉर्ड्स है, ये चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। उर्दू की तदरीस में इससे उनको सहूलत होगी। नेक्स्ट, वर्चुअल लर्निंग कम्युनिटीज़। उर्दू टीचर जो है ऐसे कम्युनिटीज सोशल मीडिया पर बना सकते हैं। आज आप देखेंगे फेसबुक पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके कम्युनिटीज़ है, जो बच्चे नेट सेट की तैयारी करते हैं उनके कम्युनिटीज़ है, कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ है जहाँ पर टीचर बच्चे दोनों भी उसमें शामिल है और आपस में वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं और साथ ही साथ इंटरेक्शन करते हैं, और ये इंटरेक्शन लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उर्दू मीडियम टीचर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने वर्चुअल कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉग लर्निंग। उर्दू टीचर अपने ब्लॉग बनाएं और ब्लॉग के ज़रिए दुनिया के हर एक कोने तक अपनी बात पहुंचाएं, अपने मकाले, अपने प्रेजेंटेशंस, अपने रिसर्च स्टडीज़, इनको जो है वो अपलोड करें, और वहाँ पर जो है इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके ज़रिए बच्चे जो है टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो बेस्ड लर्निंग। अगर किसी से कहा जाए कि ये 200 पेज की किताब है ये पढ़िए, या फिर इस 200 पेज की किताब का एक वीडियो है 20 मिनट का, इसमें जो है खुलासा किया गया है उस 200 पेजेस का, तो कोई भी बंदा जो है वो वीडियो देखना पसंद करेगा, 200 पेज की किताब पढ़ना वो पसंद नहीं करेगा। इसलिए उर्दू मीडियम टीचर्स जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स है और भी यूट्यूब जैसे अदर वेबसाइट्स है, वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप तदरीस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल कोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश टाउन ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप सिर्फ ईमेल आप उस पर रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश पर एक ईमेल लेसन रोज भेजना शुरू कर देगा, और स्कोर के हिसाब से उस जो है 50 या 100 मेल का जो है वो कोर्स होता है, जो 50 दिन में या 100 दिन में या 2-3 महीने में वो मुकम्मल होता है। ऐसे ईमेल कोर्सेस हम उर्दू में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक मिसाल about.com की है, जिसमें इंग्लिश वर्ड अ डे, हर एक दिन वो इंग्लिश का वर्ड देते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस मटेरियल उस मेल में अपलोड करते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग थ्रू सोशल मीडिया। आप जानते हैं कश्मीर के हालात, कभी इंटरनेट चलता है तो बाहर कर्फ्यू होता है, कभी बाहर कर्फ्यू है तो जो है इंटरनेट नहीं चलता। ऐसे वक्त में टीचर्स अपने वीडियोस बनाकर फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं जब इंटरनेट चालू होता है, और फिर बच्चे उससे जो है इस्तेफाजा हासिल करते हैं और वहाँ पर जो है इंटरेक्शन होता है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ाने का एक नया ट्रेंड आजकल शुरू हुआ है। नेक्स्ट, ये कुछ जो है बैरियर्स हैं जो उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए उनके सामने दरपेश है, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी, लैक ऑफ स्किल्स, नाकाफी फंड्स है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर मटेरियल, लैक ऑफ ट्रेनिंग, तरबियत का फुकदान है, तकनीकी मदद का फुकदान है, एतमाद की कमी है, इंतज़ामिया की तरफ से ताउन हासिल नहीं होता है, और साथ ही साथ ये जो तब्दीली है उसके लिए मज़ामत है और मनफी रवैया है। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि जो लोग अपने दौर के साथ नहीं चलते उनका दौर ख़त्म हो जाता है। अगर आप एक उर्दू टीचर बोल के या टीचर बोलकर इस दौर में बाकी रखना चाहते हैं अपने अस्तित्व को, तो ICT के अलावा कोई चारा-कार नहीं है, इसे हम कहीं पर भी नहीं भाग सकते। तो ICT सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारे से ज़्यादा हमारे तुलबा और तालिबात का भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।